हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम यूनिट फोर्थ फिजिकल केमिस्ट्री की। यूनिट फोर्थ कोलाइड, कोलाइड विलयन है, कोलाइड सॉल्यूशन। तो इस यूनिट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ग्राम के मिश्रण नियम के अनुसार, जो ग्राम का मिश्रण नियम होता है इसके अनुसार दो प्रकार का क्या पाया जाता है, इसके अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइट और दूसरा होता है कोलाइड। तो क्रिस्टलाइट जो विलयन होता है, क्रिस्टलाइट जो विलयन होता है वह विलयन होता है जिसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो जांतव्य झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा आता है कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो जांतव्य झिल्ली में से क्या नहीं होते, विसरित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइट में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइट विलयन में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कण या विलयन के कण झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं। और कोलाइड वाले सॉल्यूशन में जो विलयन के जो पदार्थ के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उस झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं इसमें तीन प्रकार के कोलाइड होते हैं, इसमें तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है वास्तविक विलयन, दूसरा होता है कोलाइड सॉल्यूशन, तीसरा होता है निलंबन सॉल्यूशन। तो कौन से होते हैं, कोबिल्ला, वास्तविक विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन और निलंबन। तो जो वास्तविक विलयन होते हैं इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो पदार्थ के कण होते हैं उन कणों का आकार 1 nm से छोटा होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कणों का जो आकार होता है वह 1 nm से छोटा होता है, जिसके कारण इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। तो जो इस प्रकार का विलयन होता है उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। कोलाइड सॉल्यूशन वह होते हैं जिसमें जो पदार्थ के जो तत्व होते हैं उनका आकार, जो सॉल्यूशन के कण होते हैं उनका आकार 1 nm से 100 nm के मध्य होता है, 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। अर्थात इन कणों का आकार जो वास्तविक विलयन से तो कैसा होता है, बड़ा होता है। और निलंबन वाला जो सॉल्यूशन होता है, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उनके कणों से कैसा होता है, छोटा होता है। तो इन कणों का जो आकार होता है वो होता है 1 nm से 100 nm के मध्य होता है। तीसरा आता है निलंबन विलयन। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कणों का आकार 100 nm से अधिक पाया जाता है, जिसके कारण जो निलंबन सॉल्यूशन के कण होते हैं इसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है उन सॉल्यूशनों का जो गुण होता है उन्हें हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है उसके कणों का आकार 1 nm से 100 nm के मध्य होने के कारण हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाना मुश्किल होता है, लेकिन कभी इसे देखा भी जा सकता है। तो कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो परिक्षेपित प्रावस्था के कण, जो परिक्षेपित प्रावस्था के जो कण होते हैं परिचित प्रावस्था के कण परिपेक्षित माध्यम में या तो विलीन हो सकते हैं या विलीन नहीं होते हैं। तो जो इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है
उसे कोलाइड सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखते हैं वास्तविक सॉल्यूशन और कोलाइड सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। जो वास्तविक सॉल्यूशन होता है ये तो कैसी प्रकृति का होता है, समांगी प्रकृति का होता है। वास्तविक सॉल्यूशन की जो कण होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, समांगी होती है। लेकिन जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है उसमें उन कणों की प्रकृति कैसी होती है, विषमांगी प्रकृति होती है। इन कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। और वास्तविक जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है उनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है इसमें जो कोलाइड तंत्र बनता है उनके कणों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, कोलाइड जो सॉल्यूशन होता है कोलाइड बिलियन कोलाइड तंत्र का क्या करता है, निर्माण करता है। इस कोलाइड तंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था में, वह परिक्षिप्त परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर फर्स्ट होता है परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। सेकंड होता है अवस्था के आधार पर। थर्ड आता है कणों के आधार पर। तो कोलाइड तंत्रों को तीन भागों में डिवाइड किया गया परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। जो कोलाइड तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है द्रव स्नेह कोलाइड तंत्र और दूसरा होता है दब विरोधी कोलाइड तंत्र। द्रव स्नेह जो कोलाइड तंत्र होता है इसमें जो प्राप्त द्रव स्नेह कोलाइड तंत्र में परिक्षिप्त प्रावस्था है परिचित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल उपस्थित होता है। तो जो इस प्रकार का कोलाइड होता है जब किसी सॉल्यूशन में प्रक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसे द्रव स्नेह सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जब परिक्षेपित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है तो उसे द्रव विरोधी कोलाइड तंत्र कहते हैं। जो द्रव स्नेह कोलाइड तंत्र होते हैं ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इसके उदाहरण होते हैं प्रोटीन और स्टार्च। जो द्रव स्नेह कोलाइड तंत्र होते हैं उनमें आकर्षण बल प्रचंड होता है। जैसे प्रोटीन और स्टार्च, प्रोटीन के अणु एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। इसी प्रकार स्टार्च भी क्या होता है, बहुलक होता है जो कि एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार का प्रक्रम होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। लेकिन द्रव रोधी जो तंत्र होता है उसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता है और ये जो प्रक्रम होते हैं वो होते हैं अनुत्क्रमीय प्रकार के प्रक्रम होते हैं। अर्थात एक दिशा में ही जाते हैं जबकि द्रव स्नेह होते हैं वो दोनों दिशाओं में चलते हैं। जो द्रव स्नेह होता है इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो द्रव विरोधी तंत्र होता है उसे
जरावरोधी तंत्र को इलेक्ट्रॉन स्नोई तंत्र की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनके कण को देखा जा सकता है। जो द्रव स्नेह सॉल्यूशन के जो कण होते हैं उनके मध्य आकर्षण मतलब उनके मध्य किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। अगर उपस्थित होता है तो बहुत कम होता है। लेकिन जो द्रव विरोधी तंत्र होते हैं उसके जो कण होते हैं उनके कणों के मध्य आवेश उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं इनके कणों के अंतर। परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कण जो तंत्र होता है उसका प्रकार होता है एक द्रव स्नेह एक द्रव विरोधी। द्रव स्नेह में परिक्षेपित प्रावस्था में परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण, द्रव विरोधी में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय होते हैं। इनके कणों के मध्य में आवेश उपस्थित नहीं होता है, लेकिन कभी होता भी है तो बहुत कम होता है। लेकिन जो द्रव विरोधी तंत्र होता है उसके कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित आवेश उपस्थित होता है। अब आता है कणों के आधार पर नेक्स्ट आता है कणों के आधार पर। जो कणों के आधार पर कोलाइड तंत्र होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है वृद्ध आण्विक, दूसरा होता है बहु आण्विक होता है संगुणित आण्विक। कौन कौन से होते हैं? वृद्ध आण्विक, बहु आण्विक और संगुणित आण्विक। जो बहु वृद्ध आण्विक होते हैं उसके उदाहरण है स्टार्च और प्रोटीन। स्टार्च और प्रोटीन की श्रृंखला क्या होती है? परस्पर जुड़कर क्या होती है? बड़े वाले अणु का निर्माण करती है। तो जो वृद्ध आण्विक कोलाइड तंत्र होता है इस प्रकार के तंत्र में जो बड़ा अणु होता है वह छोटे अणुओं में टूटकर कोलाइड तंत्र का क्या करता है? निर्माण करता है। इस प्रकार का तंत्र को वृद्ध आण्विक कोलाइड तंत्र कहते हैं, जिसका कि उदाहरण होते हैं स्टार्च और प्रोटीन। बहु आण्विक कोलाइड तंत्र वह होता है जिसमें बहुत सारे अणु क्या होते हैं? जुड़कर एक कोलाइड तंत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात समूह के रूप में अणु उपस्थित होते हैं और कोलाइड तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसकी उदाहरण है सिल्वर सॉल्ट। जो सिल्वर सॉल्ट होता है वह बहु आण्विक कोलाइड तंत्र का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आता है संगुणित आण्विक कोलाइड तंत्र। इस प्रकार का जो कोलाइड तंत्र होता है वह कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। लेकिन जब इसकी सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो यह उच्च सांद्रता पर कोलाइडी विलयन के क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो इस प्रकार का जो तंत्र होता है उसे संगुणित आण्विक कोलाइड तंत्र कहते हैं। जैसे जो साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है वह संगुणित आण्विक कोलाइड तंत्र का क्या होती है? प्रकार होती है। ये क्या होते हैं? कम सांद्रता पर तो क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी सांद्रता क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो सांद्रता बढ़ाने के साथ क्या करते हैं? ये कोलाइड तंत्र की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इस प्रकार के तंत्र को संगुणित आण्विक कोलाइड तंत्र कहते हैं। जैसे साबुनीकरण की प्रक्रिया होती है वो कोलाइड संगुणित आण्विक कोलाइड तंत्र की जैसे होती है। इसके बाद आता है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। नेक्स्ट आता है कोलाइड विलयन बनाने की विधियां। Thank you.
कोलाइड विनियल बनाने की विधियों को दो प्रकार के मदद तंत्र में उपस्थित द्रव स्नेही और द्रव रोधी तंत्र के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। एक होती है परिक्षेपण विधि और दूसरी होती है संघनन विधि। एक तो कौन सी होती है? परिक्षेपण विधि। दूसरी होती है संघनन। दूसरी कौन सी होती है? संघनन विधि। जो परिक्षेपण विधि होती है, जो परिक्षेपण विधि होती है, इस विधि को भी आगे तीन भागों में बांटा गया होता है। एक होती है यांत्रिक विधि, एक कौन सी होती है? यांत्रिक विधि। दूसरी होती है विद्युत परिक्षेपण विधि। दूसरी होती है विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। यांत्रिक विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। तीसरी आती है पैप्टीकरण विधि। तो यांत्रिक विधि होती है, यांत्रिक विधि होती है, इस विधि में जो बड़े आकार के जो कोलाइड तंत्र होते हैं उसे पीसकर या तोड़कर छोटे छोटे कणों में क्या लिया जाता है? तोड़ लिया जाता है या फिर किसी चक्की के अंदर इसे पीस लिया जाता है। जो चक्की होती है वो 70 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। तो चक्की में बड़े जो कण होते हैं उन कणों को क्या लिया जाता है? पीस लिया जाता है और छोटे कणों में रूपांतरित करके कोलाइड सॉल्यूशन का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। जैसे जो क्रीम होती है वो कौन सी? यांत्रिक विधि के द्वारा हम क्रीम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो यांत्रिक विधि में क्या करते हैं? जैसे अपने पास क्या है, कोई बड़ा कोलाइड तंत्र है, उस तंत्र को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है किसी यंत्र जैसे चक्की की सहायता से, या फिर उसके क्या कर लिए जाते हैं? टुकड़े कर लिए जाते हैं। तो जो चक्की होती है वो 700 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। तो चक्की में टुकड़ों को क्या लिए कर लिया जाता है? पीस लिया जाता है और इस प्रकार से छोटे छोटे कोलाइड विलयन का क्या कर लिया जाता है? निर्माण कर लिया जाता है। जो क्रीम होती है, क्रीम यह यांत्रिक विधि के आधार पर तैयार की गई क्या कोलाइड सॉल्यूशन होता है। सेकंड आता है विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस प्रकार की विधि में क्या होता है? एक पात्र होता है, पात्र के अंदर क्या भरी होती है? आइस भरी होती है। इस पूरे पात्र के अंदर क्या भरी होती है? आइस भरी होती है, बर्फ भरी होती है। इस पात्र के अंदर एक अन्य पात्र होता है जिसके अंदर परिक्षेपण माध्यम भरा होता है। क्या भरा होता है? परिक्षेपण माध्यम भरा होता है। परिक्षेपण माध्यम भरा होता है। परिक्षेपण माध्यम के अंदर दो क्या लगे होते हैं? धातु के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर क्या लगा होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला स्रोत लगा होता है। ये क्या होते हैं? धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं? आर्क होता है। ये क्या होता है? आर्क होता है और ये होती है अपनी धातु की छड़। क्या होती है? धातु की छड़। तो इस विधि में क्या आता है? जो विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि होती है, इस विधि में क्या आता है? जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिस धातु का भी क्या बनाना है? कोलाइड सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो धातु की छड़ होती है उससे क्या होती है? वाष्प निकलने लगती है और यह वाष्प जो इसके चारों ओर आइस से भरा हुआ पात्र होता है उसमें क्या हो जाती है? संघनित होने लग जाती है। इस प्रकार से कोलाइड सॉल्यूशन का क्या होता है? निर्माण होता है।
तो जो विद्युत परिक्षेपण विधि होती है इसमें ये क्या होती है, आर्क होता है। आर्क के अंदर क्या होता है, बहुत तेजी से जो धातु होती है वो वाष्प के रूप में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन उसके चारों ओर क्या होता है, हिमसादित, हिमसिदित क्या होता है, पात्र भरा होता है, जो कि उस वाष्प को क्रिस्टल या कोलाइड के रूप में बदलने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार से विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा अभी हम सॉल्यूशन को, कोलाइड सॉल्यूशन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है पेप्टीकरण विधि। पेप्टीकरण विधि होती है, इस विधि में क्या होता है, जो ताजा बना हुआ जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, ताजा बना हुआ कोलाइड सॉल्यूशन होता है, जब उसमें विद्युत अपघटन मिलाया जाता है तो वो क्या करता है, पेप्टीकरण विधि। इस विधि में ताजा बना हुआ जैसे कोई सॉल्यूशन होता है, कोलाइड सॉल्यूशन होता है, जब इसमें विद्युत अपघटन मिलाया जाता है तो इस सॉल्यूशन के क्या कुछ कण उस आयन की सतह द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसके कारण जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक दूसरे इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर क्या कर जाते हैं, गमन कर जाते हैं, और वे क्या होते हैं, कोलाइड कणों के समान व्यय करते हैं। तो इस प्रकार से जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, निष्पादित हो जाते हैं, अर्थात नीचे की ओर जम जाते हैं। तो जो पेप्टीकरण विधि होती है इसमें जैसे कोई अपने पास निक्षेपण है FeOH का होल थ्राइस, जब इसमें हम किसी अन्य विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं, तो इससे जो सॉल्यूशन बनता है वो इस प्रकार का सॉल्यूशन निर्मित हो जाता है, अर्थात जो Fe+3 होती है उसकी एक परत क्या होती है, निक्षेपित हो जाती है। तो पेप्टीकरण विधि में निक्षेपण का गुण मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट आती है संघनन विधि। नेक्स्ट आती है अपनी संघनन विधि। जो संघनन विधि होती है इस विधि में पदार्थ के छोटे अणु आयनों को विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या किया जाता है, संघनन करके कोलाइडी सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। तो संघनन विधि में जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण होते हैं उनको छोटा करके या संघनित करके कोलाइडी सॉल्यूशन का निर्माण किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट आती है विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि सेकंड आती है इसमें कौन सी होती है, विलायक विनिमय विधि है उभय अपघटन विधि। जो विलायक विनिमय विधि होती है, हम जानते हैं कि जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है उसमें परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या उपस्थित होती है। जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो किसका कार्य करता है, विलायक की तरह कार्य करता है। तो जो परिक्षेपण माध्यम होता है उसमें परिक्षेपित प्रावस्था में अन्य किसी विलायक को मिला दिया जाता है, जिसके कारण जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है या फिर जो कोलाइड सॉल्यूशन प्राप्त होता है वह विनिमय विधि के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात परिक्षेपण माध्यम से जो सॉल्यूशन में जो कण उपस्थित होते हैं वे परिक्षेपित प्रावस्था की ओर गमन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से संघनन विधि द्वारा या विलायक विनिमय विधि द्वारा भी हम उस कोलाइड सॉल्यूशन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक होती है उभय अपघटन विधि। इस प्रकार की विधि में जैसे भी कोई द्रव अविलयशील होता है, तो उस अविलयशील लवण के कोलाइडी विलयन बनाने के काम में आती है। जैसे हमारे पास कोई क्या है, अविलयशील लवण है,
है पहले कोई लवण है तो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है, उस प्रकार का जो कोलाइड होता है, इसके निर्माण में क्या आते हो गए, अपघटन विधि काम में ली जाती है। तो जो आर्सेनिक के कोलाइड बनते हैं, आर्सेनिक के जो कोलाइड बनते हैं वे उभय अपघटन विधि के द्वारा बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे ही गर्म करके उनकी वाष्प को संघनित या एकत्रित करके भी कोलाइड सॉल्यूशन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कोलाइडी विलयन होता है, उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं। निर्माण की विधि तो हमने पढ़ ली, परीक्षेपण विधि, संघनन विधि। परीक्षेपण विधि में तीन पढ़ी थी, संघनन विधि क्या होती है, विलायक विनिमय विधि होती है, उभय अपघटन होती है, और तीसरी होती है वाष्प वाली विधि। इस प्रकार से इससे क्या होता है, कोलाइड सॉल्यूशन का निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें कोलाइड विलयन होता है उसके शुद्धिकरण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, या फिर कोलाइड सॉल्यूशन को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो इस वाले टॉपिक की हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं चर्चा।